हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, 90 रुपए का ये शेयर है और अगर हम देखें तो कल एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिली थी। 2 रुपए का ग्रोथ इसने दिखाया था, तकरीबन 2.5% के शेयर ऊपर था। वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और हाल फिलहाल में जो यूके वाला जो टेंशन चल रहा है उसका इस पर क्या असर हो सकता है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। 90 रुपए का ये शेयर है, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 4-4.5% का ग्रोथ भी है। देखिए, 96 रुपीज तक पहुंचा था ये शेयर 84 रुपीज से उठकर, लेकिन बाद में हमें गिरावट देखने को मिली और यूके की जैसे ही खबर आई शेयर एक भयंकर गिरावट के साथ टूट गया। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से दोबारा हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो इंडियन ऑयल में 29% की गिरावट है। अभी भी ये शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा, जो 125 127 रुपए के आसपास है। कोरोना काल में 70 रुपीज तक टूट गया था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट आई, अब दोबारा तेजी की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 56% की गिरावट है। 208 रुपए तक का हाई है, 70 रुपए तक का लो है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में सिर्फ 2% से भी कम का इसमें ग्रोथ दिया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट 2017 से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक चीज तो यहाँ पर तय है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल के लिए अपना पैसा लगा दो। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करते हो, प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट भी कर लेते हो। इस शेयर से हमें प्यार बिल्कुल भी नहीं करना है, इस शेयर को हमें सिर्फ यूज करना है। गिरावट आने पर और खरीदारी होने पर हमें यहाँ से मुनाफा लेके निकल जाना है, ये बात श्योर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, 85,000 करोड़ के आसपास है। मार्केट के कहने से देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, FIC पास 6.07% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 5.74% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, प्रमोटर के पास तो भैया डेफिनेटली सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 51.50% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर का गिरवी नहीं है। 29 म्यूचुअल फंड स्कीम और 464 FIIs का पैसा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर ONGC, जिनकी तकरीबन तकरीबन 14.20% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.58%। और देखिए, छोटा शेयर जरूर है अगर हम प्राइस की बात करें तो, वैसे तो काफी बड़ा शेयर है, काफी बड़ा बिजनेस भी इनका, लेकिन डिविडेंड भी बहुत बढ़िया पे कर रहा है 42% का, मतलब पर शेयर आपको 4.25 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। और अगर आप देखने जाए तो सिर्फ इंडियन ऑयल ही नहीं, गेल इंडिया से लेकर ONGC भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतर डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर, और आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा मिल ही रहा है अगर हम डिविडेंड की बात करें तो। इंडियन ऑयल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो अभी इनकी निकल कर आ रही है वो न्यूट्रल है, क्योंकि डेफिनेटली जो सिचुएशन अभी बनी हुई है यूके में वो कहीं ना कहीं एक डराने वाली सिचुएशन है, और काफी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि यूके से कई सारी फ्लाइट्स इंडिया में आई है और कई सारे इंडियंस जो है वो इस पिछले एक हफ्ते में यूके से यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ एक आज एक खबर थी कि सिर्फ राजस्थान में ही 700 लोग आए हुए, हालांकि इस बात की पुष्टि करना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है तो मैं इन सब में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि बहुत सारे लोग यूके से आए हुए हैं। यूके में एक नया कोविड स्ट्रेन फैला हुआ है, नाइजीरिया में भी नया कोविड स्ट्रेन फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी WHO के द्वारा ये भी हमें बताया गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये जो नया कोविड स्ट्रेन है ये इतना डेडली है कि नहीं उसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, और इसके ऊपर जो रिसर्च है वो अभी भी की जा रही है। तो जो सिचुएशन बनी हुई है वो यहाँ पर 50-50 है, कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी आपको बेचने की बात नहीं कर रहा है। दिसंबर महीने में शेर खान जो काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है उनकी बाइंग की रेटिंग है, और 115 रुपए का टारगेट प्राइस भी उनके द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल भी अगर मैं की बात करूँ, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी काफी बेहतर है, रेवेन्यू बहुत बेहतर है इनका। आप देखिए,
मार्च क्वार्टर में 1,18,000 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू था, तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है। जून में हालांकि लॉकडाउन के चलते इनका जो रेवेन्यू है वो 60,000 करोड़ रहा, मतलब कम रहा, लेकिन सितंबर में धीरे धीरे ये इनका जो रेवेन्यू है वो पिक्ड अप हो रहा है, 81,000 82,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में जब नतीजे आएंगे तो 1,00,000 करोड़ तक के रेवेन्यू यहाँ पर आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, जो तेजी है वो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। प्रॉफिट की बात करें तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया हुआ है इनको, हालांकि मार्च में लॉस था 9,101 करोड़ का, जून में 2,129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सितंबर में 6,032 करोड़ का प्रॉफिट। तो काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और प्रॉफिट कर रही है तो अपने शेयरहोल्डर्स में बांट भी रही है एज अ डिविडेंड के तौर पर। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास उसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 28.94% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। डीआईएस के पास आप देखेंगे 13.48% की होल्डिंग और एफआईएस के पास 6.07% की होल्डिंग ओवरऑल हमें देखने को मिल रही है। इंडियन ऑयल के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये वो शेयर है जिसे आपको प्यार बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट में एंट्री लेनी है और प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से निकल जाना है मुझे लगता है। और अगर मैं चैनल को रेगुलर फॉलो करूँ डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर 7,500 रुपये की लेवल से कंटिन्यूसली बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ, और अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी इसमें जो तेजी है वो बाकी है, अभी भी शेयर ये शेयर यहाँ से और ऊपर तक जाने का दमखम रखता है, तो मेरी तरफ से यहाँ पर अभी भी यहाँ बने रहने की सलाह होगी और डेफिनेटली शेयर आपको और अच्छे प्राइस पर फ्यूचर में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि 110 रुपये के आसपास ये शेयर जाएगा, उसके बाद दोबारा से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और दोबारा से शेयर टूट के 100 रुपये तक भी जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एक और जिसमें आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में, कंपनी बहुत बड़ी है, काफी दिग्गज कंपनी है, अगर यूके की सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट यहाँ पर होती है तो अगर शेयर में गिरावट आए तो मैं यही सलाह दूंगा आपसे कि पैनिक मत करिएगा, बेचेगा मत, डेफिनेटली शेयर दोबारा बाउंस बैक करेगा। हम सब जानते हैं कि जब इंडिया में कोविड फैला था इतने सारे केसेस है, शेयर 70 रुपये से नीचे नहीं गया है और अभी भी कोई खास बड़ी रैली अभी भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। इसका जो अगर हम बात करें प्री कोविड लेवल 125 से 127 रुपये का जो लेवल था, मुझे लगता है कि ये शेयर अभी भी उस लेवल तक पहुंचने का दमखम रखता है, तो अभी भी मेरी यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। और अगर गलती से भी यहाँ पर गिरावट आती है तो आप चाहे तो और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी हो कि आपका जो नजरिया है वो कम से कम 1.5-2 साल का यहाँ पर होना चाहिए। जो कंजम्पशन है उसको लौटने में थोड़ा वक्त लग रहा है, ऑलरेडी कंजम्पशन पहुंच चुका है और डेफिनेटली और बढ़िया कंजम्पशन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो बने रहिए यहाँ पर, पैनिक मत करिए, गिरावट में चाहे तो और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं और 1-1.5 साल का प्लान लेके चले, 100 रुपये के आसपास तो ये शेयर आराम से जाएगा, उससे ऊपर भी ये जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।